राइट हो जाएंगे आनंद विहार और गाजियाबाद के लिए, और ये आईटीओ राजघाट के लिए बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। और ये है बेस्ट ऑफ बंदर पार्क, ये देख सकते हैं। तो यहाँ तक आरआरटीएस आ चुकी है बेस्ट ऑफ बंदर पार्क तक, देख सकते हैं यहाँ पर भी ये आरआरटीएस का वर्क चल रहा है। ये देख सकते हैं ये बनाया गया है फ्लाईवे, जो कि स्टील का ब्रिज बनाया गया है, ये देख सकते हो। और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट, चलेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। तो यहाँ से ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है गाइस, और देख सकते हैं दोनों साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा राजघाट। और आईटीओ के लिए बिल्कुल सीधे जाएंगे प्रगति मैदान सीधे जाएंगे, और राइट जाते हैं तो आनंद विहार गाजियाबाद के लिए निकल जाएंगे गाइस। और ये हम आ चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर, और आज आपको दिखाएंगे हम के चिपियाना रेलवे ब्रिज पर। जो आपको बता दूं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ब्रिज बनाया गया, वहाँ पर कितना कुछ काम रह गया है बाकी, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ में, और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ के कितना सुंदर बनाया गया है। और ये 16 लेन का एक्सप्रेस वे है, यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है, वो दिखाएंगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये मेरे लेफ्ट में चल, और दोस्तों बता दो ये इसकी देखो जो अक्षरधाम है उसकी जो दीवार एंड होती है वहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये आपको फ्लाईओवर चमक रहा है, इसके बगल से ये लेफ्ट में स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से बनना ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इस फ्लाईओवर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो अभी यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये जा रही है पिंक लाइन, ये पिंक लाइन है, और ये जा रही है आपकी विनोद नगर मेट्रो स्टेशन पर, जो कि यार्ड है उस पर। और यह जाता है IPX और वसुंधरा हापुड़ के लिए सीधे, और ये पिंक लाइन का जो मेट्रो लाइन है वो जा रही है पिंक लाइन। आज यार्ड दिखाएं, यार्ड है कौन का, चल आ गए हैं तो दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों के गाजीपुर में ये यार्ड बनाया गया है RRTS का, और यार्ड भी आपको दिखाएंगे कि यार्ड किस तरीके से बनाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रेन मशीन लगी हुई है यार्ड में, जो कि गाजीपुर फल एंड सब्जी मंडी है। और यहाँ एफकॉन द्वारा ये यार्ड है, एफकॉन का यार्ड, जो कि यहाँ पर वर्क चल रहा है यार्ड पे, और यहीं से जो RRTS पे जोड़ते हैं गाइस, देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ये यार्ड के ही है, ये यार्ड के स्ट्रक्चर है गाइस, ये देख सकते हैं ये एफकॉन द्वारा यार्ड बनाया गया है RRTS का। ये RRTS का यार्ड है गाइस, ये देख सकते हैं, ये देखो कितना लंबा चौड़ा। और यहीं पे ये जो आपको बता दूं ये इसके स्ट्रक्चर हैं वो, और इसके गाटर देख सकते हैं, गाटर और इसके यहीं पर रखे हुए हैं। तो किस तरीके से ये रखे हुए हैं आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये गाटर देख सकते हैं, यहाँ पर गाटर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, गाटर ही गाटर, और ये एफकॉन द्वारा बनाए जा रहे हैं।
जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है एफकॉन। और देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा ये यार्ड है यहाँ का। और ये है गाजीपुर में, और यहाँ से ही आनंद विहार स्टार्ट हो जाता है। और ये मेरे राइट में है खोड़ा कॉलोनी, खोड़ा यानी कि गांव है। और मेरे लेफ्ट में है इंद्रापुरम, ये देख सकते हो। और ये हम हो जगह बीच वाली लेन में एक्सप्रेसवे के। अभी जहां आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जहां का व्यू देने वाला हूं, वहां पर वो ब्रिज कंप्लीट होते ही फिर यहां पर कोई कट नहीं मिलेगा आपको। सरायकाले खां से चढ़ोगे और आप लोग डासने जाकर उतरोगे इस बीच वाली लाइन में, कोई कट नहीं है। जो कट है वो यहीं पर है, यूपी बॉर्डर पर आके खोड़ा कॉलोनी। दोस्तों ये है नोएडा, देख सकते हैं तस्वीरें। ये नोएडा की जो मेट्रो है वो बनाई जा रही है। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये चिपियाना रोप ब्रिज कितना कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोग देख सकेंगे आगे। तो देख सकते हैं कहाँ तक इस पर लैंड मार्किंग का काम हो चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ तक लैंड मार्किंग का काम हो गया है कंप्लीट सही। आगे देखते हैं कितना बाकी रह गया है, वो भी आप लोगों को वहाँ चल के दिखाते हैं कितना टाइम लगेगा ऐसे बनने में। तो देख सकते हैं यहाँ तक लैंड मार्किंग हो चुकी है, आगे लैंड मार्किंग का काम नहीं हुआ है। तो अभी कितना दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा इसको कम्प्लीट होने में, अभी आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर खड़ी कर दें दोस्तों। आज मैं देखो आ चुका हूँ चिपियाना फाटक पर, लाल कुएं के पास में जो ब्रिज बनाया गया है देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 2385 टन का ये ब्रिज है, ये देखो। और लंबाई में ये इस पर देख सकते हैं, इस पर ये वर्क चल रहा है, इस पर पेंटिंग की जा रही है ब्लैक और वाइट। और आपको बता दूं उधर लैंड मार्किंग का काम हो चुका है लेकिन इधर नहीं हुआ है, इस पर भी लैंड मार्किंग की जाएगी। और इधर देखिए ये भरे जा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये इसमें से जो आता है कंक्रीटिंग जो भरा जाता है ट्रक से वो किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसा तो कम्प्लीट ही हो गया है और ये 4-5 दिन में आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं इसकी साइड की ये की जा रही है लैंड मार्किंग, तो कुछ इस तरीके से बनाया गया है ये। ये देख सकते हैं तस्वीरें, ऐसा बनाया गया है ये चिपियाना रेलवे फाटक पर जो स्टील का जो ब्रिज बनाया गया है वो बनके कंप्लीट हो गया है। इस पर सारा ही देख सकते हैं ये ब्लैक टॉप कर दिया गया है और इस पर लैंड मार्किंग का काम होना है आगे से। उधर लैंड मार्किंग कर दी गई है, इधर का बचा हुआ है कंप्लीट होने के लिए, तो वो भी जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज की तस्वीरें बस यही हैं गाइस। और आपको इधर भी दिखा देते हैं कि आपको बता दूं कि ये है सामने ABS कॉलेज और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये बॉल बनाई जा रही है और ये देख सकते हैं ये लाइन खोल दी गई है इस तरीके से। ये देखो कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है और इसको हम क्रॉस करते हुए चल रहे हैं अंदर की साइड में और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा बनाया गया है। तो आम पब्लिक के लिए ये 3-4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन का वक्त लगेगा और ये खोल दिया जाएगा आम पब्लिक के लिए। तो इसमें बस लैंड मार्किंग होना बाकी रह गया है, बाकी तो कम्प्लीट ही हो गया है। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, इसका व्यू देते हैं अंदर से। देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से बनाया गया है ये और हम चल रहे हैं इसके अंदर, ड्राइव कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो बस इस पर बस लैंड मार्किंग का काम रह गया है बाकी, और लैंड
लैंडमार्किंग होते ही, तो इसके आप ये दोनों देख सकते हैं, ये पैराफिट वॉल पे इन पे अभी पेंटिंग का काम चल रहा है। ये दोनों साइड में देखो लगे हुए हैं मिस्त्री, ये क्या नाम है, वर्कर, ये देख सकते हैं दोनों साइड में। बस यही काम रह गया है, बाकी कंप्लीट हो चुका है। और आपको दिखा देते हैं अब इधर से भी, अब इस साइड से भी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है यहाँ का। और वो देख सकते हैं रोड रोलर और वो खड़े हुए हैं वहाँ पे, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये बनाया गया है रोप, और इस पर लैंड मार्किंग का काम किया जाना है। और लैंड मार्किंग होते ही ये बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बनाया गया है, चिपियाना रेलवे ब्रिज, लाल कुआं, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो देख सकते हैं इस पर लैंड मार्किंग का काम रह गया है। और इधर फुटओवर ब्रिज पर ये देखिए, ये फुटओवर है, फुटओवर बनाया गया है, तो इस पर भी अभी कंक्रीटिंग की जानी है, ये देख सकते हैं। बस यही है यहाँ का नज़ारा। तो ये ब्लॉग से ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ऐसे ही ब्लॉग से देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग से देखते रहो केपी संत के चैनल पर। और गाइस 3-4 दिन में ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो गाड़ियां अभी आ रही हैं ये राइट से, यहाँ पर इसको ये बंद कर दिया जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बीच वाली लेन हो जाएगी। तो यहाँ तक अभी इन्हें लैंड मार्किंग का काम करना है, लैंड मार्किंग हो जाएगी फिर इस पर कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बंद कर दिया जाएगा स्ट्रक्चर, उसी का काम चल रहा है, देख सकते हैं। और ये हम लाल कुआं गाजियाबाद पर आ चुके हैं, यहाँ तो ये लाल कुआं के लिए नीचे उतरता है, और यहीं से हम चले जाएंगे अंदर गाजियाबाद सिटी के लिए। और अगर हम राइट में जाते हैं तो हम चले जाएंगे बुलंदशहर अलीगढ़ के लिए। गाइस देख सकते हैं ये लाल कुआं लिखा हुआ है, यहाँ से अगर राइट जाते हैं तो बुलंदशहर अलीगढ़ के लिए चले जाएंगे, और लेफ्ट में जाते हैं तो हम गाजियाबाद सिटी के लिए चले जाएंगे। और अगर इस एक्सप्रेसवे पे सीधे जाते हैं तो हम चले जाएंगे हापुड़ मेरठ मुरादाबाद बरेली के लिए। गई तो चलिए बस इतना ही था आज का व्यू, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।